Yo, what's going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई बढ़िया ही होंगे। तो वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज। आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर Sacrifice Sanctuary। और गाइज ये एकदम ना स्क्विड गेम्स टाइप का है, लेकिन इसमें यार आपको रॉयल्टी बन के सैक्रिफाइसेस लेने हैं लोगों से। तो गाइज चलो बढ़ते आगे। और ओ माय गॉड, जो आप देख रहे हैं क्या सेट बनाया यार इन लोगों ने। फोटो भाई लगता है बहुत बड़ा टीवी शो है भाई। हाँ यार, हमको तो लगता है लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा भाई ऑल ओवर द इंटरनेट। लेकिन कोई बात है गाइज, हम लोग एज पार्टिसिपेंट्स एंटर कर रहे हैं। और ये देखो, ये वीआईपी एरिया है गाइस। आपको पता ही होगा स्क्विड गेम्स में भी वीआईपी एरिया था, लेकिन हु नोस भाई। ऑलराइट तो गाइस ये देखो, डांस इंडिया डांस पे पहुंच चुके हैं। मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली ये यहाँ बैठना है अपन लोग को अगर पार्टिसिपेट करना है तो। और भाई ऐसा नहीं लग रहा चौप जैसे अपन लोग जज वगैरह बने हुए डांस इंडिया डांस पे। फोटो भाई सही में भाई एकदम वही फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा कंटेस्टेंट सामने नाच के दिखाएंगे अभी। अरे ब्रो, लेकिन किसी भी समय हमारी गाड़ी यहाँ पर रवाना होने वाली है, तो गाइस रेडी हो जाइए। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है यार, तो फटाफट से कर दीजिए। ऑलराइट, तो ये गेट बंद हो चुका है भाई और ये प्लेटफॉर्म मूव कर रही है। एंड व्हाट, अपन लोग कहाँ जा रहे ब्रो? फोटो भाई लगता है नीचे गिरने वाले, रेडी हो जाओ भाई। ओ सही में यार, नीचे गिरेगा। अरे गिरा दिया भाई। ऑलराइट तो गाइस ये देखो, अपन लोग अपने आप ऑटोमेटिकली रूम्स में आ चुके हैं। एंड चॉप मेरे हिसाब से ये हम लोगों को अलग अलग रूम्स दिए गए हैं ना। फोटो भाई ये देखो, मैं आपके बगल वाले रूम में हूँ भाई। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है ब्रो, तू रेड कलर के रूम में है और मैं यहाँ पर पिंक कलर के रूम में। अरे मेरे को पिंक क्यों दिया भाई, कुछ और कलर दे देते। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर कलर से क्या लेना देना है जब काम है हमारा जीतना। Alright, guys, royalty challenge यहाँ पर 5 सेकंड में स्टार्ट होने वाला है। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है ऑल दो कि ये रॉयल्टी चैलेंज है क्या, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आइडिया ऑटोमेटिकली लग जाएगा। Alright, guys, mask the gas है इस चैलेंज का नाम। और इसमें हम लोगों को ग्लास बबल्स दिए जाएंगे जो कि हम लोगों को जल्दी से पहनने, ठीक है? मतलब कि हर बार ना, जैसे अगर 12 बच्चे हैं बचे हुए इस राउंड में, तो सिर्फ 11 मास्क को यहाँ पे स्पॉन किया जाएगा और एक बंदा जहरीली गैस से एलिमिनेट हो जाएगा। तो गाइस आपको मास्क पहनना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ऑलराइट जल्दी चौप भाग। ओके गाइस मेरे को यहाँ पर बबल मिल गया है, अपन लोग इस ग्लास बबल को पहन करके अपने आप को जहरीली गैस से बचा सकते हैं। चौप को भी मिल गया, लेकिन अफसोस यहाँ पर एक बंदा यार उसको मास्क नहीं मिल पाया। और हर राउंड में यार ऐसे करते करते एक आदमी मरते जाएगा गाइस, यानी कि सैक्रिफाइस होते जाएगा और हम लोग में से जो भी बंदा आखिरी में बचेगा उसको रॉयल्टी घोषित कर दिया जाएगा। ऑलराइट मेरे को सेकंड टाइम भी मास्क मिल गया। चौप भाग बे, फोटो भाई जा रहा हूँ मास्क लेने। आरम बच गया भाई, नहीं तो अभी तो बैड बच जाता मेरा। ओके तो गाइस एक और बार, लगता है इस बार कोई पुअर सोल मरने वाला है। एंड जहरीली गैस निकल चुकी है यहाँ पर। ओ माय गॉड गाइस, किसी तरीके से हम लोग अभी तक सरवाइव कर चुके हैं, लेट्स गो। भाई 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 ये तो बहुत तेजी से हो रहा है यार। फोटो भाई रेडी रहना पड़ेगा, नहीं तो आप मास्क मिस कर दोगे भाई। ओके गाइस मैं यहाँ पर हारने वाला नहीं हूँ, मेरे को रॉयल्टी बनना है भाई, अपन लोग राजा बनेंगे। और बाय द वे गाइस, जो भी बंदा यहाँ पर रॉयल्टी बनेगा ना, वो चूज कर सकता है कि अगले राउंड में दो लोगों में से कौन दो लोग कॉम्पीट कर सकते हैं, हम उन दो लोगों पे बाजी लगा सकते हैं गाइस। तो इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक दैट, आपको समझ में आ जाएगा। अरे मेरे सामने वाला मास्क ले लिया। ओ भाई चौप जल्दी भाग, यहाँ पे एक ही मास्क है नूब। फोटो भाई, अरे फोटो भाई मर जाऊंगा मैं। अरे मर गया फोटो भाई। अरे बेचारा चौप यार, इसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। एक्चुअली चौप मरा नहीं है, तू वो देख वहां पे खड़ा हो गया है तू। वाह फोटो भाई, यानी कि अभी नहीं मरना मेरे को लगता है। अभी नहीं भाई, रॉयल्टी जब तक नहीं चाहेगा तब तक तू मर नहीं सकता है, समझ गया? Alright, तो guys, अब हमारा टास्क है बस चॉप को यार अपन लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलना है और यहाँ पर हम लोगों को सर्वाइव करना है। फोटो भाई मेरे को काय को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ भाई, आपको लक की ज्यादा जरूरत है। हाँ भाई लक की ज्यादा जरूरत तो मेरे को ही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार, किसी को ही बोलो। ओ ये देखो भाई, मेरे पास मास्क ही मास्क स्पॉन हो रहे हैं भाई, लक बोलते है भाई इसको। Alright, guys, let's go. क्या होगा ये, क्या मैं रॉयल्टी बन पाऊंगा, आइए देखते हैं। ओके ओ भाई बहुत कम बच्चे बच्चे, भाई आप उनको जीतने दो ना प्लीज। फोटो भाई अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो आप सही में जीत जाओगे भाई, मेरे को लगता है मैं आप ही के लिए सपोर्ट करूंगा। फोटो भाई थैंक यू ब्रो, थैंक यू, तुमसे यही उम्मीद है मेरे को। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, ज्यादा बंदे नहीं बचे हैं। एंड मैडम जी आई एम सो सॉरी बट इट सीम्स लाइक कि आपका मैच भी ओवर हो चुका है। और गाइस नाउ इट्स डाउन टू 3 प्लेयर्स और हम तीनों में से कौन सर्वाइव करेगा ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। टॉक्सिक गैस ने इस रूम को यार टोटली कंप्लीटली फिल कर दिया है। एंड ये रहा भाई मास्क मेरी तरफ आया। ओ शिट एक बंदा यार हम लोगों को छोड़ के जा चुका है। फोटो भाई यार आप तो यार मस्त खेल रहे हो भाई, लगता है आप ही जीतोगे इस बार। अरे ब्रो इतना भी अच्छा मत बोल, पता चल गया कि मर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। ऑलराइट गाइस सेकंड पोजीशन तो आ चुकी है, अब बस मेरे को कुछ करके इन मैडम जी को हराना है। अरे
नहीं नहीं, अरे मर गया चॉप। आई एम सो सॉरी ब्रो, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने तुम्हें निराश कर दिया भाई। फोस्ट भाई कोई बात नहीं भाई, आप एक ना एक बार रॉयल्टी बन जाओगे भाई, बस इस बार नहीं बन पाए। चलो कोई बात नहीं फोस्ट भाई, वेल डन। थैंक यू एवरीबॉडी, मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया, अब आप लोग भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट सो गाइस, अब टाइम आ चुका है वो सैक्रिफिशियल मैच का, बस देखना ये है कि जो रॉयल्टी है वो मैडम जी आखिर किसको चूज करती हैं। तो चलो चॉप, सैक्रिफाइस सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है 30 सेकंड्स में, फटाफट से अपन लोग नीचे जाते हैं और रेडी हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सैक्रिफाइस सेरेमनी यहां पर शुरू हो चुकी है और जो ये पिया पॉइंट नाम की हमारी रॉयल्टी है, इन्होंने चूज किया है एक बंदे को, और पहला बंदा जो यहां पर सैक्रिफाइस होने जाएगा वो है क्वेबल कॉप W2। ओके तो क्वेबल कॉप W2 भाई आ जाओ। ऑलराइट, और ये किसके साथ कंपीट कर रहा है, लेट्स सी। तो सेकंड बंदा है हमारा यहां पर आई लव क्लोई। वाओ, तो आई लव क्लोई मैडम जी आइए इधर खड़े हो जाइए, एंड इन दोनों के बीच में गाइस होने वाला है डेथ मैच। तो गाइस हम दोनों को ना अभी दोनों पार्टी में से किसी एक पर चूज करना है, तो मैं यहां पे क्वेबल कॉप पे चूज करूं क्योंकि पिछले बार ये बंदा काफी देर तक सरवाइव किया था। फर्स्ट भाई मैं क्लोई मैडम जी पे यार चूज कर रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक है ब्रो, तो क्लोई पे चूज कर। और अबे ये क्या दे दिया भाई? फर्स्ट भाई ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, इसमें तो आपको अपनी बॉल को गोला से यार बीच से निकालना पड़ेगा बिना टकराए उन गोल गोल चीजों पे। ए भाई लगता है ये दोनों को ही प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। ऑलराइट गाइस, हमारा बंदा एकदम नूब है भाई, इसको तो बॉल कंट्रोल करने आती ही नहीं है। मीनवाइल जिस लड़की पे चॉप ने बाजी लगाई है भाई वो कंप्लीट कर चुकी है। अरे नूबड़े ये क्या कर दिया भाई, ये मरेगा, हमें क्या है यार। चलो कोई बात नहीं, टाटा क्वेबल कॉप, लगता है तुम पे मैंने बहुत ज्यादा भरोसा कर दिया। लेकिन गाइस ये देखो अब हो चुका है ये ट्रूली सैक्रिफाइस, और आप देख रहे हो ये गेम मॉडल कैसे काम करता है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड मैच, और यहां पर ऑब्वियसली चॉप जो है बाजी जीत चुका है, तो कांग्रेचुलेशंस चॉप। लेकिन अब टाइम है यहां पर दोबारा से रॉयल्टी चूज होने का गाइस, एंड आई एम टेलिंग यू हम लोग ही यहां पर भाई जीत के आने वाले हैं रॉयल्टी बनके, और उसके बाद जो करेंगे भाई मिलके करेंगे। ऑलराइट, तो आ चुकी है मैडम जी जीत करके, कांग्रेचुलेशंस सभी को। नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड नंबर 2। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर रॉयल्टी चैलेंज स्टार्ट हो चुका है और अभी किसी भी समय अपन लोग लोड करने वाले होंगे। ऑलराइट, वेलकम टू प्रोटेक्ट योर बॉल। तो इसमें हम लोगों को गाइस बॉल्स दिए गए हैं हर बंदे को, और उस बॉल के ऊपर उसका थोपड़ा चिपका दिया है यार। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोगों को ना अपने बॉल को बचाना है और अपोनेंट के बॉल को जो है प्लेटफॉर्म से नीचे गिराना है, और प्लेटफॉर्म गाइस जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे छोटा होते जाएगा, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग उस चीज पे ध्यान दे। ऑलराइट, मेरा गोल यहां पे ये है कि मैं किसी एक का बॉल नीचे गिरा दूं फटाफट से। ऑलराइट, इसका गिरा देते, ये नहीं दिख रहा है, नूब आदमी। बाय बाय आर्यन द बॉस, तुम यहां पर बॉस नहीं फ्रॉस्टी बॉस है। फ्रॉस्ट भाई लगे रहो भाई, मैं तो मर गया लेकिन आप जीतोगे भाई। चलो कोई बात नहीं ब्रो, तुम्हारी मौत का बदला लिया जाएगा। और अरे अरे मेरे बॉल को धक्का दे रही है मैडम जी, अब तो तुम गई, अब तो तू गई। अरे भक्त तेरी ऐसी की तैसी, अरे मेरा बॉल छोड़ो, हटाओ मेरा बॉल को छोड़ो, इसको मारो इसको मारो इसको मारो, मारो मारो मारो। फ्रॉस्ट भाई क्या कर दिया आपने, आपने तो क्लच कर दिया भाई। ये आई थिंक गाइस मैं जीता हूं, मेरा बॉल भी नीचे गिर गया, लेकिन लेट्स सी। ओके, फ्रॉस्टी भाव इज द न्यू हाउस रॉयल्टी। तो यार चॉप तो यहां पर नहीं है क्योंकि वो मर गया, लेकिन गाइस अब राजा हम लोग हैं, और अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन यहां पर मौत की बाजी लगाएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे आ जाओ, सैक्रिफाइस सेरेमनी किसी भी समय स्टार्ट होने वाली है, और मेरे को यहां पर अपने कंटेस्टेंट्स को भाई सोच समझ करके चूज करना है। तो सब कोई सामने बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, ज्यादा लोग बचे नहीं है गाइस, ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट मैचेस थी ना कि सबके पसीने छूट गए, बट समहाउ आई मेड इट टिल द एंड, और मैं यहां पर राजा बना हुआ भाई, एंड दैट्स हाउ वी डू इट गाइस। लेट्स गो, अभी 5 लोग बचे हैं गेम में, सो या अभी मेरे को चूज करना है। तो गाइस मेरे को ऑलरेडी आइडिया है मैं किन लोगों को चूज करने वाला हूं। मैं चूज करूंगा उस लड़की को जिसने चॉप को मरवाया, और उसके बाद उसको जिसने मेरे को फर्स्ट राउंड में रॉयल्टी नहीं बनने दिया। चलो भाई, साइक्लोन 0879 तुम्हारा टाइम आ चुका है, और पिया पॉइंट तुम पहली राउंड में रॉयल्टी बनी थी, तुमने यार कभी कॉम्पीट ही नहीं किया। तो गाइस अब हम लोग इनसे कम्पीट कराएंगे और देखते हैं कि कौन जीतता है। फोटो भाई आप किस पर बाजू लगाओगे भाई? देखो यार सच बोलूं तो बहुत ही मुश्किल का मैच होने वाला है, लेकिन इफ आई वर टू प्लेस माय बेट्स मैं साइक्लोन पे लगाऊंगा, क्योंकि साइक्लोन गाइस काफी अच्छा खेलती है। वो तो यकीन मानो चॉप हार गया भाई उसके सामने, जबकि चॉप इतना प्रो प्लेयर है। फोटो भाई सही बोला भाई, मैं हार गया इसके सामने यार। चलो गाइस, नाउ इट्स टाइम कि हम लोग फटाफट से अपने बेट्स प्लेस कर दे, एंड व्हाट द हेल ये कहां आ गए बे ये लोग। फोटो भाई लगता है ये शेफ इनको काट डालेगा भाई, इनको बचना है। हां यार ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया गाइस अचानक से। ऑलराइट लेट्स सी, दोनों में से दोनों ही पार्टी यार फुल्ली रेडी लग रहे हैं मेरे को, एंड आई डोंट थिंक किसी को भी डाउट है कि वो यहां से जीत करके घर नहीं जाने वाले हैं। बट गाइस दिस इज वेयर स्टफ गेट्स इंटरेस्टिंग। तो गाइस दोनों ही पार्टियों को लग रहा है कि वो जीतेंगे, लेकिन सच बताओ तो मेरे को पता भी नहीं है कि अटैक होगा कैसे। फर्स्ट भाई मेरे को लगता है इस वाले राउंड में जो भी टाइल्स चमकेगा उनके ऊपर कूदने का है भाई। ओह
अच्छा ऐसा है क्या? चलो भाई लगता है चॉप ने इसमें पार्टिसिपेट किया है पहले। लेकिन गाइज मेरे लिए ये राउंड एकदम नया है, तो किसी भी समय ओके काउंटर स्टार्ट हो गया। ओ भाई दोनों में कॉम्पिटिशन शुरू हो चुकी है एंड टोटल विंस यहाँ पे जीरो है। ओके व्हाइट वाले टाइल्स पे जाओ जल्दी। ओ नो पिया पॉइंट तो अपने व्हाइट वाले टाइल पे भी नहीं है। अरे ब्लेड आया एंड गेम ओवर। गाइज देखा हम लोगों ने सही बंदे पे यार पैसा लगाया था और वो मैडम जी जीत गई एंड पिया पॉइंट बाय बाय। तुमने मुझसे राउंड वन में मेरा ताज छीना था छीना था, लेकिन इस बार हम लोगों ने तुमसे तुम्हारा जान ही छीन लिया। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था भाई इसको मरवाने का, जो भी पावरफुल है वही सरवाइव करेगा। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हो हमारा विनर यहाँ पर वापस बाहर आ चुका है और इसी के साथ हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस मेरा गोल यहाँ पर यही था कि मेरे को एक ना एक बार रॉयल्टी बनना है और लोगों को कम्पीट कराना है, और बाकी चीजें से यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो गाइस अगर आप लोग देखना चाहते हो इसका पार्ट टू, तो मेक श्योर कर इस वीडियो में फटाफट से 50,000 लाइक्स का टारगेट रख रहे हो, प्लीज 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 कंप्लीट करवा देना। एंड या चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर करके उस लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे रख देना। अंटिल देन गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।